तो मुझे रियांश को समझना जरूरी है, रियांश कैसे बैठता है, जैसे रियांश ऐसे बैठता है, अगर मैं बैठूंगा तो ऐसे बैठूंगा, रियांश की कुछ भी बात ध्यान में आती है तो रियांश ये करता है, उसकी कैरेक्टर भी, उस कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कैरेक्टर नहीं समझोगे तो आप उस चीज को प्ले नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप बहुत स्टूडियस हैं, आप बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अभी मैं आपको एक ऐसा कैरेक्टर देता हूं जिसमें बच्चा एकदम नालायक है मेरे जैसा, पढ़ने में उसका ध्यान ही नहीं, खेल में मस्त रहता है, उसके दिमाग में भी जरूर बातें आती हैं, पढ़ने से अलावा सब कुछ करता है, वो खेलता भी है, मस्ती भी करता है, डांस भी करता है, सब कुछ करता है, पढ़ता नहीं है, राइट। तो अब वो कैरेक्टर आप प्ले करोगे तो आपको वो कैरेक्टर समझना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर एक्चुअली कैसा है, कब वो क्या करता है। वो तुम्हारी तरह स्टूडियस नहीं है, मार्क्स उसके अच्छे नहीं आते, एग्जाम में बैठा लेकिन कॉन्फिडेंट है, कुछ भी लिख रहा है लेकिन लिख रहा है, उसको मतलब नहीं लिख रहा है, कुछ भी लिख रही है, लिख रहा है, उसे पता है मैं जो लिख रहा हूँ ठीक है यार, कॉन्फिडेंट है। आपका नाम नहीं बताया आपने, ज्योति, मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, आपने नाम इतना सोच के क्यों बोला, आपका सुरभि, सबसे पहले आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, ठीक है, मेरे तक आपकी आवाज आराम से आनी चाहिए। मेरे दोस्त आपका नाम कार्तिक, तुम्हारे पुत्र का नाम कार्तिक, इनके बेटे का नाम कार्तिक, ओके। तो सुरभि, ज्योति, रियांश, रिंकू, कार्तिक, एंड आपका नाम केशा, केशा तो अपने मस्त है, कॉन्फिडेंस बहुत है, डांस किया था कॉन्फिडेंस है, क्या था ना, बताओ मम्मी डांटते तो क्या करते हो, हंसती रहती है, इसके पास एक इमोशन से लाभ, ये थर्ड इमोशन पे जीत।